हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि कॉस साइन और टेन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। ये आपका ट्रिक होगा, ठीक है ना। पी अपॉन एच आपको साइन का वैल्यू देगा, ठीक है ना। एंगल जो भी हो, ठीक है ना, जिस भी एंगल का वैल्यू फाइंड करना है तो उस एंगल के अनुसार उसका परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है ना। ठीक, इससे आपको कॉस का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। एंगल जो भी हो उस एंगल के अनुसार आपको बेस लेना, ठीक है ना। ये है कि एंगल सी का वैल्यू पूछ रहा है और आप एंगल ए का बेस ले लिए हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पास जो एंगल का वैल्यू पूछ रहा है उस एंगल के अनुसार उसका बेस लेना है, ठीक। इसका वैल्यू मतलब पी अपॉन बी से हमको टेन का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पास पी यानी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से हमको साइन का वैल्यू मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस से कॉस का वैल्यू मिलेगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस से टेन का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। ऐसे आप कॉलम बना के काट सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिक है याद करने का, ठीक। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर हमको साइन कॉस टेन का वैल्यू फाइंड करना है तो हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस तीनों का वैल्यू फाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब या तो गिवन डाटा में दिया हो या फिर हमको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पास गिवन डाटा में हमको दिया है, क्या चीज दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। तो देखिए, साइन ए का वैल्यू ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो साइन का वैल्यू हम कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, ठीक है ना। और यहाँ पास वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इससे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, कोई दिक्कत ना। साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तभी तो साइन का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पास वैल्यू दिया हुआ है तो इससे आप कंपेयर करेंगे तो ये आपका जो 3 है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, 4 हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है ना। हियर हियर परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 हाइपोटेनस इक्वल टू 4, ठीक है ना। देन बेस इक्वल टू, तो बेस इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल कोई सा भी होती है ना, कोई सा मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही होती है ना। देखिए राइट एंगल राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। अब उस राइट ट्राइंगल में हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है और हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बेस का वैल्यू नहीं दिया है, तो बेस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से इतना आएगा उसका वैल्यू, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो बेस का वैल्यू ये हो जाए, ठीक है ना। अंडर रूट मतलब मैं इसको डायरेक्ट क्या होता है ना, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इधर उधर करके डायरेक्ट कर दिया हूं, ठीक है ना। बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, ठीक। बीच में माइनस है, ब्रैकेट में डाल देता हूं। बी इक्वल टू 16 माइनस 9, बी इक्वल टू अंडर रूट 7, ठीक। अब देखिए, बेस मिल गया हमको, परपेंडिकुलर दिया ही था, हाइपोटेनस भी दिया था, ठीक है ना। हमको अब फाइंड क्या करना है, कॉस ए, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे नाउ कॉस ए इक्वल टू कॉस ए, ठीक है ना। एंगल तीनों का सेम है तो जाहिर सी बात है तीनों के लिए मतलब जो हाइपोटेनस होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। हाइपोटेनस जो होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पास मैं उस ट्रायंगल को बना ही देता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक, जाहिर सी बात है मतलब एबीसी ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। मतलब यहाँ पास नाम तो नहीं दिया है तो मैं यहाँ पास एबीसी ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पास एंगल भी 90 डिग्री का है और ये सी है और ये ए है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पास जो हाइपोटेनस है, ठीक है ना, हाइपोटेनस कितना है, 4 है, ठीक। जो इसका परपेंडिकुलर है वो 3 है और ये जो कहा गया बेस है वो है अंडर रूट 7, ठीक। ऐसा दिया, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पास हमको
कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है ठीक है ना, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ठीक है ना कॉस ए, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि इसका वाला जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, और इसके लिए ठीक है ना परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि इस एंगल का हमको वैल्यू निकालना है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा ठीक है ना, मतलब इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हो जाएगा बेस ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका बेस हुआ ठीक है ना, तो कॉस ए इक्वल टू और ये आपका हाइपोटेनस तो था पहले से ठीक, यहाँ पास वही चीज लिखा हूं, ये आपका बेस है ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है ठीक ना, तो कॉस ए का वैल्यू कैसे निकलेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस से ठीक है ना, तो बेस का वैल्यू है कितना अंडर रूट सेवन है ना, बेस का वैल्यू है बेस अपॉन में हाइपोटेनस बेस का वैल्यू है अंडर रूट सेवन और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है फोर, तो यहाँ पास निकल गया आपका, यहाँ पास ऐसे कर देता हूं कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट सेवन अपॉन में फोर ठीक, ये आपका आंसर हो गया ठीक है ना, ये ट्रिक आपको याद कर लेना ठीक है ना, परपेंडिकुलर के लिए सॉरी साइन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कोस के लिए हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टेन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ठीक है ना, तो कोस हमको निकालना था तो बी अपॉन में एच के यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और ट्राइंगल को देखते हुए ये बेस हुआ ठीक है ना और ये हाइपोटेनस हुआ ठीक है ना, और यहाँ पास भी वो चीज लिखा था मैं पहले ही परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस ठीक है ना, तो यहाँ से भी अगर आप लेते तो बी अपॉन में एच फॉर्मूला लगाते तो B का वैल्यू था 107 और H का वैल्यू था 4 ठीक है ना, ये ट्रायंगल ना भी बनाता तो चल जाता है लेकिन तसल्ली के लिए बना दिया ठीक है ना, ये ऐसे एक ट्रायंगल होगा ठीक है ना जिसमें बेस ये होगा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये होगा ठीक, अब हमको 10A का वैल्यू फाइंड करना है ठीक है ना, 10A इक्वल टू 10 का वैल्यू कैसे निकलेगा P अपॉन B से, यहां पास हो जाएगा 10A इक्वल टू, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ बेस ये हुआ ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है अंडर रूट 7 है, यहाँ पास आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर 3 है बेस अंडर रूट 7 है ठीक है ना, वही चीज है ठीक है ना, हाँ लेकिन एंगल ए के लिए है, ये चीज पहले बताया था एंगल यहाँ पास एंगल ए दिया है ना, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है ये बेस है और ये हाइपोटेनस है ठीक है ना, एंगल सी के लिए मत ले लेना ठीक है ना, अगर यहाँ पास गलती से कहीं भी एंगल सी दे दिया होता ना तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया होता ठीक है ना, एंगल सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा ठीक है ना, क्योंकि एंगल सी का अपोजिट साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा ठीक है ना, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ ये बेस हुआ और एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा ठीक है ना, एंगल सी दिया ही नहीं है तो हम कहा उसका चर्चा करें ठीक है ना, यहाँ पास एंगल ए एंगल सी का मतलब यहाँ पास साइन ए दिया है ना एंगल ए की बात कर रहे हैं ठीक है ना, वैसे कॉस ए और टेन ए ठीक है ना, तो यहाँ पास कॉस ए का वैल्यू ये हुआ टेन ए का वैल्यू ये हुआ ठीक है ना, यहाँ पास आंसर लिख देता हूँ 3/7 है ठीक है ना, कट गया क्या, ये आपका आंसर हो गया ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।